रक्त दिया है ना रक्त दो, आपकी जात से हजारों को फायदा पहुंच जाएगा, हजारों को, और आपको भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, हमारा अपना जाति फायदा क्यों। अल्लाह ने इस्लाम में बहुत अच्छी अच्छी सिफात रखी है, हर तरह के लोगों से मिलना है। हम एक जगह दर्शन गए बराकर शहर में, सैकी हमारी जमात तो मुझे समझ ले गए मकसद करो इसको मुलाकात करवानी है कुछ हम लोग उतरते हैं काम हुई था तो हम गए दरवाजा खींचा और आदमी निकला। हमने देखा काट के दरवाजा बंद किया, देखा लोग चलते फिरते रहते हैं बिल्कुल असर पड़ता है, ये तस्किया हो जाता है। अल्लाह किब लोग को निकाल देंगे, ये ठोकर है खाना अल्लाह के लिए, अल्लाह किब लोग को निकाल देंगे। आदमी को वक्त मिले जरूर रोक बताया बहुत। अल्लाह ने इस काम में सादे से काम में अल्लाह ने बड़े फवायद रखे हैं, इसके फवायद की कोई अहमियत नहीं है। आज यूरोप यहाँ पता नहीं चलता है, यहाँ का माहौल और है पूरे का, यहाँ मदारिस है, मदारिस यहाँ उलमा है, यूरोप के मुल्कों में आप चले बड़ा के चिल्ले में पूरा जितना हमारा पाँच साल रहेगा पूरा चिल्ले रमजान का महीना रोजाना हमें नमाज इतनी बड़ी बड़ी रोजाना ईशा की नमाज ऐसे इमाम और ऐसे तराई द्वारा बना न नमाज की तरह कुछ नहीं होता, न दवाई न पढ़ने का ठिकाना न कोई तकलीफ। हम रोजाना ईशा बाद तरावी के बाद तारीख का बयान होता फिर लोग चले जाते बातों का घस में जाते घस में जाते फिर वापस आए फिर ईशा तरह को मारा पड़ता ये सगा बहुत दूर पर बयान खेल जाता है। क्या है फ्रांस बहुत बड़ा मुल्क है और यूरोप के मुल्कों में सबसे बड़ा दावत का काम फ्रांस में सबसे ज्यादा शेख गुरु वहाँ की जिम्मेदार है शेख गुरु पुरुष से बहुत अजीब व गरीब आदमी हमारा बहुत उनसे बड़ा बात माशाला बहुत अजीब व गरीब आदमी है। लेकिन उस फ्रांस की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने अपनी आंखों से अरब के बच्चे 11 साल के 12 साल के 13 साल 14 साल 15 18 साल तक के बच्चों को अपनी आंखों से देखा, बस सुनते याद नहीं किसी को सुने फाता याद नहीं किसी को दो सूरत किसी को एक सूरत बातों को भले पाया नहीं जुबान भूल गए बिल्कुल मोहम्मद में ऐसे कोई जुबान नहीं है सिवाय फ्रांस की कोई जुबान नहीं है फ्रेंच के अलावा अपनी जुबान भी छोड़ चुके हैं भूल गए हैं। इसलिए हमारे इस मुल्क को तो बहुत धन्यवाद समझो हमारे यहाँ मकतब का निजाम है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा निज़ाम है हमारा हर बच्चा बचपन से कुरान पढ़कर जब 12 साल का 13 साल का 10 साल का होता है माशाल्लाह नाजरा खत्म हो चुका है। यूरोप के लोगों में कुरान पढ़ाने वाले कोई नहीं है कुरान पढ़ने वाले हैं। हमारे मुंबई से कुछ बच्चे फारिग हुए माशाल्लाह और अपने शहरों में गए यूरोप के पूरे मुल्क बच्चे आते थे तो मुझे जब जब आते मिलते हैं तो कागजात बनाते कि मोहन साहब हमारे मुल्क में मकतब का निज़ाम चलता ही नहीं बहुत कोशिश करके टूट गए सौ बिल्कुल लोगों में नहीं है ओलामा है कुछ फारिग हो गए हैं मेहनत करने के बच्चे नहीं आ रहे हैं दावत की मेहनत मसल लगाने वहाँ चलाई जाती है हर शहर में शुरू हो गया मदद से और ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह इस दावत की बरकत से अब जहाँ लोगों का बन रहा है के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऐसे लोग देखे हमने कि जिनके वाले बिल्कुल दाढ़ी सफा चट शर्ट पैंट और अपू डेट रहने वाले हमारे हाफिज़ अब्दुल्लाह शुरू शुरू उनके पास जाते तो कहते थे कि अभी साहब क्यों आए हैं आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान से आए हैं वही रहता आपको जिनका काम करना हम यार कमाने तो मुझे कमाने आए हैं कुछ कमा के चले जाएंगे आज यहाँ तो रहने वाला है भाई साहब कहते कमाओ बेटा तो नमाज को बोलो नमाज का कितना करो ताकि मेरी नमाज नमाज हो जाए अभी साहब फजर से पहले ना कर दे जमात दस के लिए ताकि मुझे हाथ मिल जाए तो नमाज हो जाए। वो आदमी मुझे खुद जाना और हम इनाम दे रहे वो आदमी माशाल्लाह दावत में लगा और अल्लाह ने दावत को अच्छा दाई बनाया और उस दावत की बरकत से उनके इस वक्त पांच बच्चे आलिम हाफिज़ मुफ्ती हैं पांच बच्चे और माशाल्लाह इस वक्त वही बच्चे कोई हदीस पढ़ा रहा है कोई फिका पढ़ा रहा है सब मुदरिस भी है माशाल्लाह दारुल उलूम अल्लाह ने माहौल बदला इसे डेढ़ दो में पहले अर्ज किया कि दावत का काम सादा है साथी जो है ऐसे पर्दा खड़ा हुआ है इस पर्दे को हटाकर इतना वक्त हम जाया कर रहे हैं अपनी जिंदगी का बहुत वक्त हमारे पास है बहुत बात तो बिल्कुल फायदे कोई काम नहीं जब मैं ये भी कहता था हरारत अल्लाह को पसंद नहीं आदमी मजबूर हो काम करे तो ये भी कोई जिंदगी आज
रात को बैठे सुबह लेट उठे और चाय पीते तो सुनना रुकी जिंदगी। हम भी ऐसे ही थे, मैं तो अपनी बड़ाई बयान नहीं करता, मैं भी यही तक पड़ा हुआ हूँ, मैंने यही जिंदगी गुजारी है, कभी सा नहीं रहा हूँ, मेरा हाथ में वही का किस्मत है। अब एहसास हुआ, अब रोना आता है कि अल्लाह ज़माना कैसे हमें जाया करते, क्या जो ज़माना हम पढ़ने में लगा देते, कुछ किताबें पढ़ लेते। अब एहसास हुआ मुसलमानों अपना वक्त ज़ाया करो, नौजवान वक्त ज़ाया करो, काम करो, दिन का दुनिया का कोई काम भी हो जरूर काम करो। देखो ये ज़माना गुरबत गुरबत का भी नहीं है, गुरबत का ज़माना नहीं है, गरीब दाई कोई असर नहीं होगा, गरीब आदमी कोई असर नहीं होगा, माल माल कमाओ, खूब खूब माल कमाओ, हलाल रोजी कमाओ, हलाल रोजी कमाओ, मैं दिन का काम करो, फिर दिन में का काम देखो तुम अल्लाह का दिए काम करो, दिन में कुछ ना कुछ काम हो, बेकारी की जिंदगी आदमी नजीक हम वो है माँ बाप का निकल जिंदगी हो, नौजवान बच्चे हैं माशा अल्लाह ने ताकत दी है हिम्मत दी है माँ बाप को वो जाए नहीं हम माँ बाप की हिम्मत करें कमाना हमारा फर्ज है, अल्लाह ने हमें जुमाना दिए जहाद दिए कितने माँ बाप यहाँ काम कर रहे हैं माशा अल्लाह कोई जरूरत है सारा आदमी इमाम बनेंगे सारे मदरस बनेंगे दुनिया का कोई भी काम कर ले हमारा काफी ने सारे काम किए हैं इमाम कुदरी कौन थे कुदरी क्या जरूरत कुदरी के जरूर हांडियाँ बेचना कपड़े बेचते थे टोपियाँ घूमते थे हमारा काफी ने कोई शौक महसूस नहीं मैंने उसको भी कहा बादशाह है वक्त है औरंगजेब रहने का होगा क्या हम क्या करते थे टोपियाँ घूमते थे टोपियाँ घूमते थे पुराना करीब की ताकत करते उसको बेच के खाते थे बादशाह है वक्त है तो क्या करें इससे बहुत खुश है ना तो दुनिया खूब कमाओ दुनिया कमाना की इबादत है दीन के साथ कोई बुरी बात नहीं दुनिया हजमा सलमान नबी रहमतुल्लाह अलैह उलमा जी कहते थे उलमा की जमात मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ इस मिंबर पर बैठकर दुनिया की बुरा बयान ना करो दुनिया की तरकीब दो मौलाना साहब ने 50,000 रुपये थे फजाइल तंदी लिखवाए फजाइल नमाज फजाइल हज वैसे फजाइल तजारत लिखवाई तजारत के फजाइल चेक चेक से लिखवाई महिला सब ने खुद हमारे साथी काम करें तजारत करें तजारत करें तजारत के फजाइल काम कमाए हम भी आपके हाथ से तजारत करते हाथ से कमाए थे मैं वहीं पर आपको बताया कितने बड़े इमाम है हमारे कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार था कपड़ा बेचते थे चार इमाम है हमारे दो बहुत अमीर दो गरीब अल्लाह की शान भी देखो कोई इमाम गरीब है तो इमाम बहुत मांगा है आज का ज़माना बदल गया आज का ज़माना पैसों का ज़माना है गुरबत खूब मेहनत करो खुद खुद कमाओ खूब कमाओ अच्छे से अच्छा तो बिजनेस शुरू करो इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है काम भी छोड़ो काम ज़्यादा पसंद नहीं आएगी अल्लाह को मजबूरी बनना कोई ना कोई ज़्यादा रखने शुरू करो उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है और काम एक ही से तजारत में 40 बरकत की तो अपना वक्त है ना करो और जो वक्त अल्लाह फारिग कर रहा है उसको अल्लाह के दिन की मेहनत में लगा ये भी कोई जिंदगी आ नदी का न दुनिया ऐसे वक्त आए इस वक्त का अल्लाह जमा हिसाब होगा अल्लाह हमसे पूछेगा तुमने वक्त कहाँ जाया किया आज ही अपना कदम हटा दे अल्लाह के सामने से जब तक जवाब दे मेरे वक्त कहाँ गुजारा है वक्त अल्लाह की अमानत है वल जमाने की कसम अल्लाह ने खाई तारीफ दी है जमाना बहुत कीमती है कसम खा रहा हूँ तुम जमाने को जाया करो जमाना कीमती है हमारा कोई वो यदि कोई जिंदगी आदमी रातों को बैठा है देर तक दो बजे तीन बजे तक ना खुदा बेटा रहने बोला अल्लाह जिससे नाराज हो उसको रात को जगवा रहा है रात को जागना दिन को सोना अल्लाह की नाराजगी की निशानी है अल्लाह से नाराज है रात अल्लाह बनाए आराम के लिए और देखो मेरे दोस्तों इससे आदमी की सेहत भी खराब होती है रात सोने की है हम जागेंगे सेहत खराब होगी रात को सो जाओ जल्दी जल्दी उठो अल्लाह बरकत के दरवाजे खोल देंगे मुसलमान उठता है सूरज निकलने के बाद बरकत के सारे खत्म सारी बरकत खत्म फजर हिस्से में कदा हो गई लाख कमा लो बरकत खत्म हो बस फजर जमात से पढ़ ले अल्लाह का वादा है जिसमें बरकत दे देंगे थोड़े में अल्लाह बरकत दे देगा फजर की नमाज से पहले तस्बीह पढ़ लो 100 मरतबा सुन्नत के बाद हदीस में क्या है अल्लाह रोजी खींच कर ला लेगा खींच कर सुभानअल्लाह अलहम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह अलहम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कोई तस्बीह नहीं पता सुभानअल्लाह अलहम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह अलहम्दुलिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कितनी तस्बीह है
सौ मरतबा पढ़ लो सुन्नत के बाद फर्ज से पहले हदीस में अल्लाह रोजी को खींच कर लाएगा, रोजी तुम्हें तलाश करते हैं, हम रोजी के मोहताज नहीं होंगे। हम सुबह सोए हुए हैं, फजर कदा हो गई, सूरज निकल गया, सारे रहमत खत्म, बरकत खत्म हो गई। जैसे मेरे दोस्त अपना आप चाहे ना, तो अब नमाज दावत में लगाओ, दावत की बरकत से जरूर नमाज को हम नहीं देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तो नहीं। बहुत कम हमने देखा दावतों को फर्ज करते हैं, लोग पढ़ लेते हैं। इसलिए हिम्मत करो, जो बात अल्लाह ने कह रहे हैं मुझे जमा को आपको हिम्मत करो, तीन तीन दिन दस दिन चिल्ला जितना अल्लाह तो हमें दे रहे इसके जरिए कहीं जिनके मुकद्दर में ईमान है, अल्लाह को दाखिल फरमा दीजिए, अल्लाह उनके
उनको पक्का पक्का सच्चा रखना बनाकर पूरा आलम में उनको हिदायत का जरिया बना दीजिए। अल्लाह के पर कुफर की मोहब्बत चुकी हो और उनमें वो नफूस जो मुसलमानों को मिटाने पर तुले हुए हों, अल्लाह उनसे अपना खुद फैसला फरमा दीजिए। अल्लाह आलम के एक एक मुसलमान की जान की ईमान की इज्जत की आबरू की हमारे ईमान की मसाजिद मकाजिद मराकज फाता होगी और मैं शरीफें की वहाँ के रहने वालों की मस्जिद अक्सा की वहाँ के रहने वालों की और एक एक इस्लामी मुल्कों की ऊपर नीचे दाएँ बाएँ आगे पीछे हर तरह से इबादत फरमा दीजिए। अल्लाह शरीफ की शरारत से इतनी के फितों से आशिकी के हसर से अपने फराग के चार मुल्क फरेब से अल्लाह सुनों से अल्लाह जलजलों से पानी हवा के आजाद से अल्लाह अपनी पकड़ से जिल्लत और रसवाई से पकड़ो मोहताजी से बीमारियों से ज़ईफ़ की मोहताजी से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह ज़ौआफ़ा पर रहम फरमा। अल्लाह ज़ईफ़ माँ बाप की खिदमत की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह बेदीनी के माहौल को ख़त्म फरमा, दीन के माहौल को आम और आम फरमा, सुन्नत के माहौल को जिंदा फरमा, बिदअत के माहौल को ख़त्म फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा कामिला दायमा आज इला मुस्तमिर अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों का रवा बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों को खूब दीन और दीन और दुनिया की मेहनत की तौफीक अता फरमा, सबके लिए बेहतरीन रिश्ते का अस्बाब पैदा फरमा, सबको बेहतर गुजार का हवा मुहैया फरमा। अल्लाह देर को उनके हला नसीब फरमा, कर्जदारों के कर्जों को गैर से पूरा फरमा, फरमा बेघरों को घर नसीब फरमा, बे औलादों को औलाद साले नसीब फरमा। अल्लाह के बच्चे बच्चियाँ जो निकाह है सबके लिए बेहतरीन जोड़े का इंतजाम फरमा दीजिए। अल्लाह तरफ में मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, लड़ाई झगड़े तलाक के माहौल को खत्म फरमा दीजिए, बेवाओं पर रहम फरमा दीजिए, यतीमों पर रहम फरमा दीजिए, मुतल्लाकों पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह जब तक जिंदगी मुकद्दर है बहुत ही आफियत के साथ सेहत के साथ अल्लाह सुन्नत के इत्तेबा के साथ अपने शुक्रों को पूरा करने के साथ जीना मुकद्दर फरमा दीजिए। अल्लाह जब मौत का वक्त करीब आ जाए अल्लाह अपने फजल व करम से आखिरत का शौक गालिब कर दीजिए, अल्लाह जन्नत का शौक गालिब कर दीजिए, अल्लाह दुनिया की मोहब्बत मगरूब कर दीजिए, ये बच्चों की मोहब्बत मगरूब कर दीजिए। अल्लाह उसने खातिमा की दौलत से मालामाल फरमा दीजिए, अल्लाह बुरे खाते से हिफाजत फरमा दीजिए, अल्लाह बुरे खाते से हिफाजत फरमा दीजिए, मौत की सकरात को आसान फरमा दीजिए, अल्लाह बाप की शक्ति को आसान फरमा दे, अल्लाह बाप की शक्ति को आसान फरमा दे, अल्लाह तेरे मौजूदों को मुकद्दर फरमा दे, कामिल ईमान पर मरना मुकद्दर फरमा दे, कामिल सुन्नत पर मरना मुकद्दर फरमा दीजिए। अल्लाह कब्रों को नूर से भर दीजिए, अल्लाह कब्रों को जन्नत का बाग बना दीजिए, जन्नत की खिड़कियाँ खोल दीजिए, जन्नत का लिबास पहना दीजिए, जन्नत का बिस्तर बिछा दीजिए, कब्र की तारीख को नूर से भर दीजिए, अल्लाह अपने सिरात को बिजली की तरह पाक फरमा दीजिए, नामा आमा से यहाँ नसीब फरमा दीजिए, अव्वलीन आखिर में उसवाए से बात फरमा दीजिए, बगैर हिसाब जन्नत उल फिरदौस के फैसले फरमा दीजिए, जहन्नम की आग से नजात फरमा दीजिए। अल्लाह आपकी ज़ियारत की दौलत से मालामाल फरमा दीजिए, हज़रत अली पाक हसन के दस्त मुबारक से फौज़े कौसर का पानी मुकद्दर फरमा दीजिए, दफ्तर पाक हसन की शफाअत मुकद्दर फरमा दीजिए, आपका खुद तआला नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह पूरा आलम में जितनी जमातें चल रही है सबकी बेहतर हिफाजत फरमा, नुसरत फरमा, मदद फरमा, हिदायत का जरिया बना, निकट आवाज़ों में बेहतरीन तरबियत फरमा। अल्लाह तरबियत आपके हाथ में है, सबकी तरबियत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मदानी की हिफाजत फरमा दीजिए, पढ़ने वालों का खास नसीब फरमा दीजिए, बढ़ने वालों को बेहतरीन बना दीजिए, बेहतरीन हाफिज़ बना दीजिए, बेहतरीन का खालिम मुखलिस खालिम बना दीजिए। अल्लाह खानदाओं को पुराना में जिंदा फरमा कर तस्किए का जरिया बना दीजिए। अल्लाह हज़रत अली पाक सल्लम ने जितनी खैर मांगी है तमाम घरों भाइयों मुकद्दर फरमा और जितनी सुन से बना का ये बना नसीब फरमा। इस मजमे में जितने बैठे हैं सबकी एक एक जायज तमन्नाओं को और जायज मकासद को अपने सजा में देख से पूरा फरमा, उनकी एक एक परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह उनकी एक परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह ऐसा आफियत का मामला फरमा, आप आते बड़े ऐसा हमारी हिफाजत फरमा दीजिए, जो मांगा होगा तो फरमा दीजिए, न मांग सके होगा तो फरमा दीजिए, टूटी फूटी दुआओं को टूटे फूटे आप वाले शादी हाथ को और टूटी फूटी इन बात को अपने दया रहमत से हजरत के लिए पास असम के सबके कफे में कबूल फरमा दीजिए। सुखा रब के रब की इज्जत हम आए सुकून सलाम अलैहि वसल्लम अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।